नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। कोरोना काल में आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों के बाहर भगवान के शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कोरोना के चलते माहौल वैसा नहीं जैसा आज के दिन मंदिरों के बाहर दिखा करता था। उनके भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगी है, भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। देश में कोरोना का मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 24,248 नए केस सामने आए और 425 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,97,413 है, जिसमें 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 4,24,433 लोग ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में 15,350 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,33,287 है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वाना का सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक पद पर स्थानांतरण होने पर धरियाबाद सीओ सर्कल अधीनस्थ थाना धरियाबाद में पुलिस नामजन व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में समारोह पूर्वक विदाई दी गई। टीपापड़ोद कस्बे के यादव मोहल्ले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग सही तरीके से नहीं होने के चलते संक्रमित इलाके में लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। संक्रमित एरिया लोगों के लिए बैरिकेडिंग से निकालकर बाहर घूमते हुए नजर आ रहा है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। जोटवाड़ा के मदीना कॉलोनी स्थित मदरसे में यूनिटी ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 356 यूनिट रक्त हर वर्ग के लोगों द्वारा दिया गया। युवाओं में सुबह से ही रक्त देने का उत्साह दिखाई दिया। नागौर के कुचामन सिटी में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शिष्यों ने अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया और उन्हें तब तक जो कुछ भी दिया उसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। कुचामन सिटी में सामाजिक संस्था महावीर इंटरनेशनल युवा केंद्र ने गुरुवार पूर्णिमा के मौके पर शहर के शिक्षाविद और फुटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और प्रशिक्षक रहे रफीक अहमद उस्मानी का आकाशवाणी कलाकार प्रसिद्ध संगीतकार गुलाबचंद गोड़ व कॉमर्स जीएल गोड़ साहब का सम्मान किया। कुचामन सिटी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मकसद से वास्तविक रूप से पूरा करने के लिए कुचामन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारिया के सरपंच देवीलाल दादरवाल ने एक नई पहल की। इसके लिए रविवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर ग्राम पंचायत खारिया में सुकन्या समृद्धि योजना का आगाज किया। तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समारोह पूर्वक मनाया। पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंदौरिया व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मां जालपा देवी महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात गौशाला में जाकर गायों को गुड़ खिलाया, उसके बाद राजकीय हॉस्पिटल के जाकर मरीजों को फल व मास्क वितरित किए। युवा कांग्रेस के विकास दत्तरवाल की अगुवाई में युवाओं ने मां जालपा देवी महाविद्यालय में रक्तदान किया। बिलाड़ा निकटतम बीरावास गांव में महादेव मंदिर खुला और पूजा होगी, लेकिन मेला नहीं भरेगा। मंदिर में इस बार सावन के सोमवार को लेकर कोरोना जैसी महामारी अनुपालना के तहत मेला नहीं लगेगा और प्रत्येक सोमवार को भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सावन माह में आसपास के एक दर्जन से भी गांवों के हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, मेला भरा जाता है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र खोचा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर सावन के महा मेला भरा जाता है, जहाँ पूजा अर्चना के बाद जल कलश व दूध का अभिषेक किया जाता है। मंदिर के पुजारी नेमगिरी महाराज ने बताया कि इस बार मंदिर में पूजा की जाएगी, मेला नहीं भरा जाएगा, ना ही 50 से ज्यादा लोग मंदिर में आएंगे। यह मंदिर गांव के लोगों के लिए निगरानी में रहा, अधिक लोग शामिल हो नहीं होने देंगे, इस मौके पर ग्रामीण मौजूद होंगे।
केकड़ में रविवार शाम को तेज आंधी तूफान के इससे क्षेत्र का जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गया। अंदर से कस्बा सहित क्षेत्र की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। आंधी तूफान से जगह जगह बिजली के पोल व तार टूट गए। इसके चलते देर शाम तक बिजली की सप्लाई कस्बा में शुरू नहीं हो सकी। आंधी के बाद हुई थोड़ी सी बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों ने भीषण गर्मी से थोड़ी राहत की सांस भी ली। जैसलमेर जिले में टीडी नियंत्रण में अब हेलीकॉप्टर की मदद से भी ली जा रही है। रविवार को जिले के 140 आरजी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का स्प्रे कर टीडी नियंत्रण किया गया। टीडी नियंत्रण अधिकारी राजेश कुमार, कृषि उप निदेशक राधेश्याम नारवाल ने बताया कि रविवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर कुल 351 हेक्टेयर क्षेत्र में टीडी नियंत्रण कार्य किया गया। सिरोही जिले भर में आज गुरु पूर्णिमा को लेकर आश्रमों में गुरु पूजन सादगी से मनाया गया। क्षेत्र में बने आश्रमों में इस बार कोरोना महामारी को लेकर गुरुओं ने अपने भक्तों को पहले सूचित किया कि इस वर्ष गुरु पूजन का कार्यक्रम सादगी से मनाया जाएगा। मंदिरों में आश्रमों में काफी भक्तों का जमावड़ा नजर आया। जिन आश्रमों में अपने गुरुदेव का पूजन करने पहुंचे भक्तों ने भी सावधानी पूर्वक सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए गुरुदेव का पूजन कर आशीर्वाद दिया। मोधरा निकटवर्ती नरपुरा गांव में दानवीर दानाजी टापरिया स्वागत द्वार से लेकर पंच देवलकरणी माता धाम तक सड़कों के किनारे संगन पौधारोपण का कार्यक्रम गांव के समाज सेवी बद्रीदान चारण व कई ग्रामीणों की उपस्थिति में किया। वैसे हमारे देश की भारत की संस्कृति व सभ्यता वनों से ही पलवित है तथा विकसित हुई है। एक तरह से मानव का जीवन सहज और वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। वृक्ष अगर ना हो तो सरोवर में ना ही जल भरेगा। अनूपगढ़ में आज शहीद बाबा जीवन सिंह वेलफेयर सोसाइटी अनूपगढ़ द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के तहसील अध्यक्ष सरदारनी अमृत कौर ने की। वह सोसाइटी के कोषाध्यक्ष गगनदीप सिंह घारू व सचिव रणवीर सिंह द्वारा अत्यधिक सहयोग किया गया। समारोह में राजकीय चिकित्सालय के स्टाफ व मीडिया कर्मियों सहित क्षेत्र के समाज सेवियों को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया। प्रदेश में मानसून धीरे धीरे अपनी रंगत में आने लगा है। उदयपुर के बाद अब श्री गंगानगर में मानसून की बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं करीब 2 दर्जन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश का दौर शुरू होने से कई जिलों में पारा अब उतार की ओर है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।